नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। रुक करेंगे देश प्रदेश की खबरों की ओर। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चंदा दो धंधा लो की स्कीम चल रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जब से कोर्ट ने इसकी स्कीम को रोका है, तब से पैसे बटोरने की नई नई स्कीमें बनाई जा रही है। जब टेंडर निकालते हैं तो उसके कई मापदंड होते हैं, जिन्हें कई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन इन सारे मापदंडों को बदल दिया गया है। वहां भी कोई चोर बड़ा खजाना, बैंक, ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बना के उसके अंदर घुसता है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है। चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक नॉर्मली हेल्प्स द थीफ टू गेट इन टू द बैंक थ्रू अ टनल रूट। व्हाट हैज हैपेंड नाउ इन महाराष्ट्र। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देवरिया के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में उनके साथ यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी थे। लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहराइच कांड पर कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम कर रहे हैं। बहराइच की घटना को शासन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हो उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पैरवी की जा रही है। लापरवाही यदि किसी स्तर पे हुई है उसकी भी जांच चले, उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में केवल अराजकता, दंगा फसाद है, उनको दूसरे चश्मे से देखते हैं। हमारी जो प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। उत्तर प्रदेश में हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, हर स्थिति में कानून को और मजबूत करेंगे। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने योगी सरकार से बड़ी मांग की है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को भी सजा होनी चाहिए। दंगाइयों को भी किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जिन्होंने पूरा बाजार जला दिया और महिलाओं से बदसलूकी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। सिंगरौली नगर निगम के ग्राम जुआड़ी की जनता कई सालों से तालाब निर्माण की मांग कर रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने प्रयास कर तालाब निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन कराया है, जिसकी लागत 18,57,000 रुपए है। भूमि पूजन मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक राम निवास शाह, विशिष्ट अतिथि महापौर रानी अग्रवाल सहित सैकड़ों वार्ड वासियों की उपस्थिति में किया गया है। और आज इस शुभ घड़ी के जला पे कहना चाहूंगा कि जब हमने पार्षद के लिए, जब जनता ने हमको आगे रखा, कहा कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए, उस समय बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ की हमारी माताएं बहनों का कहना था कि हम लोगों को छठ पूजा करने के लिए इस वार्ड से बाहर शक्ति नगर की और अन्य जगह जाना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 36 में नगर पालिका सिंगरौली द्वारा नव निर्माण तालाब का किया जा रहा है। जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम है और ऐसे ही जल संरक्षण के लिए जिस दिशा की ओर स्वच्छता और पर्यावरण को हम देखते हैं।
स्वच्छता की अलग जगाने सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे स्वच्छता का निरीक्षण करने निकले, जहां उन्होंने कृषि उपज मंडी कलेक्ट्रेट के सामने स्वच्छता में श्रमदान किया। इसके बाद सफाई मित्रों के लिए विधायक द्वारा चाय बनाई गई। विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि सिंगरौली शहर स्वच्छता के प्रत्येक पैमाने में खरा उतरे, इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। देखिए, स्वच्छता हम सबको रोज अपने आदत में लाना चाहिए और प्रतिदिन स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग हो गए, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी, हमने जनमानस से मैं आग्रह भी करूँगा कि स्वच्छता बहुत ही आवश्यक विषय है। बिहार के सिवान और छपरा में हुए जहरीली शराब कांड के बाद मोतिहारी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। जिले के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शराब माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ना जरूरी है। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश भी दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के टॉप 10 शराब माफियाओं की सूची तैयार करें। रघुनाथपुर थाना द्वारा शराब माफिया एवं स्प्रिट माफिया के विरुद्ध रेड छापामारी के क्रम में ग्राम मजुरहा से विनय राम तथा मनोज कुमार राय के घर से 89 लीटर स्प्रिट के साथ साथ शराब बनाने की मशीन को बरामद किया गया है। इस संदर्भ में रघुनाथपुर थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। खबर सहरसा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को एक देसी कट्टे, हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों की तलाशी ली गई है, तो उनके पास से एक देसी कट्टा और साथ ही एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। 17 अक्टूबर 2024 को सुबह के लगभग 7:30 बजे बनमाई टहरी SHO ज्ञानानंद अमरेंद्र जो हैं सशस्त्र बल के साथ जो है सुगमा पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय सोनवर्षा राज की तरफ से जो है 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे, जिनको कि चेकिंग के लिए रोका गया। जब रोका गया तो युवक जो है भागने की भी कोशिश किए, जिनको कि सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। और जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से जो है एक देसी कट्टा और एक लोडेड देसी कट्टा था, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। खबर सहरसा से है, जहां आज रास्ते के विवाद में पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने उद्योग विभाग के रिटायर महाप्रबंधक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सहरसा जिले के बजानाथपुर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जवाहर पासवान के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलते ही सदर SDPO अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। खजूरी वार्ड नंबर 8 की घटना है, इसमें जवाहर पासवान जी की आपसी विवाद में मारपीट के क्रम में घायल कर दिया गया था, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और घटना का कारण यह गली में प्लास्टर का खबर सहरसा से है, जहां शराब पीकर गाली गलौज कर रहे एक व्यक्ति को मना करना युवक को महंगा पड़ गया। शराबी युवक ने युवक को दबिया से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। पति के साथ में मारपीट हुआ है, क्यों मारपीट हुआ, क्या मामला है? की नाम भेला अहाँके? आपके भाई के साथ में मारपीट हुआ है, क्यों मारपीट हुआ, क्या मामला है? पप्पू ताती अक्सर दारू पी के आता है, हमारे दरवाजे के आगे गाली गलौज करता है। इसी पे हमारे भाई मना करने गया, मना करने के बाद हमारे भाई के साथ मारपीट किया।
गाली गलौज मारपीट किया, इतना बुरी तरह मारा है, उसे जख्मी कर दिया। अगर अस्पताल मोतिहारी में एक कलयुगी पोते ने अपने ही दादी और दादा को तलवार से काट डाला। आरोपी पोता नशे का आदी था। नशे के लिए आरोपी ने पहले अपनी दादी को मौत के घाट उतारा, फिर दादा पर हमला बोल दिया। हालांकि दादा ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी पोते को खून से सने कपड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मांगना एने कुछ नहीं किया, चार पाँच दिन से हजार दिन की पाँच दिन भेड़ नेपाल से आए आए वाला तब छीन ले कर जाके ओके बोली बेलवा देखा सुनो ओझा से करवा वाला के रख ले रही आ रात भर से ही बुगवाइत रहा तो ओझा जहाँ ले गए तह कहे कि दू एक दिन में ठीक हो जाए जंतर नंतर बांध दिली बांध के आज कुटुम्ब बदल हो चार बजे अथी खबर राजस्मंद से है, जहां विधि परमर्शी और न्याय विभाग मंत्री जोगराम पटेल नाथ द्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए गए। बातचीत के दौरान पटेल ने कहा कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कोर्ट और लोक अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में एक ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले सत्र से पूरा सदन पेपरलेस हो जाए। जोधपुर में जेट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पटवा ने बच्चों में कौशल विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल आदर्श शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कौशल विकास भी आवश्यक है। जिस प्रकार भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नींव को आज ही मजबूत करना होता है, उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा के साथ साथ कौशल से भी सशक्त बनाना चाहिए। मारवाड़ जंक्शन के जोगरावास बांध पर सिंचाई और पेयजल के वितरण को लेकर प्रशासन और किसानों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश से आयोजित इस बैठक में जोगदावास बांध कमांड से सैकड़ों किसान शामिल हुए हैं। जोगदावास बांध कमांड अध्यक्ष भैराराम गुर्जर ने बताया कि जल वितरण को लेकर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें जल वितरण को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आज जोगदावास बांध की मीटिंग एएन एसडीएम और कस्टमर की मौजूदगी में हुई, जिसमें जल वितरण का निर्णय लिया गया, जिसमें दोनों बांध से एक पांड अजय को देने की तय किया गया और 25 अक्टूबर को अजय को मोरी खोलने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और जल वितरण के लिए पूरी तरह से जल वितरण कमेटी को जिम्मेदार ठहराया गया कि आप अपनी देख रेख में अजय को जल वितरण करेंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा आयोजित 32वें ओम शिवपुरी नाट्य समारोह के दूसरे दिन प्रीत की ऐसी रीत नाटक का प्रभावशाली मंचन किया गया। इस नाटक में प्रेम, प्रीत और विछोह के विषय पर गहन संवाद प्रस्तुत किए गए। प्रेम और पीड़ा के बीच संबंधों की परिभाषा प्रसिद्ध लेखक तपन भट्ट की कहानियों पर आधारित इस नाटक में यह दिखाया गया है कि प्रेम केवल मिलन में ही नहीं बल्कि विछोह में भी समाहित होता है। मंच पर प्रस्तुत घायल की गति कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब दो अनजान और विरोधी लोग एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं।
मारवाड़ जंक्शन के मांडा गांव से आए सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत मांडा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी लव कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं इस मामले में मांडा ग्राम सरपंच कालूराम, उप सरपंच हरि सिंह और साथ ही समस्त वार्ड पंचों ने ग्रामीण पंचायत समिति के बाहर धरने पर बैठक का आह्वान किया है। साथ ही ग्रामवासियों ने विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान को ज्ञापन भी सौंपा है। किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो? हमारे विकास अधिकारी है लवकुश मीणा, इसका ग्राम पंचायत और ग्रामवासी विरोध है। तो BDO साहब को और प्रधान साहब को मैंने 2-3 बार लिखित में भी दे दिया, ग्राम सभा में भी दे दिया, और हम आके मिल के गए तो आश्वासन देते हैं 2 दिन में लगा दो सरपंच साहब, 2 दिन में लगाता हूँ। हमारे ग्रामवासी 1.25 महीने से परेशान हैं, पूरे लोग रोज मेरे घर पे आते हैं और हल्ला उल्ली करते हैं। प्रधान साहब को बोल दिया, उसके बाद हमारे सुनवाई नहीं करते। ये कोई राजनीतिक दृश्य है इनका, तो उनके हिसाब से मेरे को परेशान करते, मेरे को मेरे पीछे पूरे ग्रामवासी को परेशानी है। तो इसके लिए गांव के कुछ लोग हैं जाने माने जो मेरे राजनीतिक दृश्य रखते हैं, वो मेरे को परेशान करने के लिए प्रधान साहब को। नमस्कार साहब, आज हम ग्राम पंचायत मांडा के तीनों गांव फूलिया, बाली और मांडा के काफी लोग इकट्ठा होकर आए हैं। वर्तमान सरपंच के ऊपर पूर्व सरपंच वे लोग अमुक आदमी दाग लगाना चाहते हैं, हम वो बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मैं 5 साल से भाई के साथ में हूँ और उसने शानदार कार्य किया है। किसी भी आदमी को मन दुखता नहीं है, एक दुखा तो दुखता बात अलग है, बाकी काम अच्छा किया है उसने, सराहनीय काम है। रही बात हमारे विकास अधिकारी लव कुमार, उसका फ्यूचर का हमने इंक्वायरी की। सर, आज मांडा ग्राम वासियों ने ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, सर क्या इसमें स्पष्टीकरण पूरा? बिल्कुल, आज मांडा ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के लिए ग्रामवासियों ने जो ज्ञापन सौंपा है, उस पर अगले वीक में प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक बुलाई जाकर जो भी बैठक में निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और कल इसके जैसे आधे पक्ष तो इनको ग्राम विकास अधिकारी को रखने के लिए, आधे पक्ष है वो रखने के इच्छुक नहीं है, तो दोनों जो भी प्रशासन स्थापना समिति निर्णय करेगी वो शुरू करेगी। जालौर जिले के हरजी कस्बे के भामाशाह एटी जैन के आरओ उपखंड क्षेत्र के करीब 14 स्कूलों में करीब 2000 छात्र छात्राओं को ऊनी जैकेट वितरण किया गया, जहां उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि भामाशाह एटी जैन कभी कंबल तो कभी जैकेट वितरण करते रहते हैं। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां जिला मुख्यालय नया गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुविधाओं के अभाव की वजह से बच्चे झाड़ू लगाने पर मजबूर हैं। महीनों से विद्यालय में बरसाती पानी भरे होने की वजह से छात्र छात्राओं पर कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले को कई बार शिकायत दर्ज भी कराया गया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। में क्या क्या समस्या आ रही है स्कूल में? ये समस्या है कि सर देखो, ये बरसात के टाइम से पानी भरा हुआ पड़ा है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और ऐसी गंदगी में बैठते हैं जिसके हालात अभी आपने देखा है, ठीक है ना। उसके बावजूद टीचर लोग भी ध्यान देते नहीं हैं और यह बहुत गंदगी फैल चुकी है, और आपने देखा है अभी लेटरिन बाथरूम भी कैसे पड़े हैं, ठीक है ना। ये नया गाँव सरकारी स्कूल का मामला है, मेरा नाम संपत राज है, तो ये थोड़ा आप भी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ आपको भी कि इसका थोड़ा आप भी मुद्दा उठाइए और इसको सब प्रशासन को जगाइए कि यहाँ कुछ बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए, उनका भविष्य सुधर जाए, ठीक है ना। बच्चे काफ़ी बच्चे तो इस कादर कीचड़ से इतने परेशान है कि अभी आपने देखा है सब कहाँ बैठ रहे हैं और ना इधर कोई शिक्षक है।
खबर गंगापुर सिटी से है, जहां एक कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं इस घटना में कार चालक सहित तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तीनों बाइक सवार युवक अपने गांव जटवती जा रहे थे। डिडवाना में अमर शहीद बाल मुकुंद बिस्सा से पैतृक गांव में विद्यालय का नाम बिस्सा के नाम पर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि देश के एक प्रमुख क्रांतिकारी शहीद बाल मुकुंद बिस्सा ने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं स्वतंत्रता सेनानी बीटीएल शहीद होगा और बाकी आटा गांव का मान पीड़ा मान कोई मूर्ति है स्कूल में नाम है कोई स्मारक है बनना चाहिए। सांचौर के बागोड़ा में अवैध कब्जे को तोड़ने पहुंचे प्रशासनिक दस्ते का विरोध हो रहा है। गांव की करीब विधवा महिला पर भी प्रशासन ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। प्रशासन का दस्ता महिला का आशियाना तोड़ने पहुंचा तो लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप है कि कई दबंग अवैध कब्जा किए हुए हैं, लेकिन एक गरीब विधवा महिला पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है और उसी से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान बागोड़ा तहसीलदार मोहनलाल समेत पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। हालांकि विरोध के बावजूद प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई की। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।